हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माँ की भूमिका हर लाइफ में बहुत अहम होती है, फिर चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ। कहते हैं ना, यूं ही नहीं गूंजती किलकार या घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 5 सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन माओं की, वो माएं जो फिल्मों के जरिए आज भी हमारे दिलों में राज करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे निरुपा रॉय की। निरुपा रॉय को हिंदी फिल्म जगत में द क्वीन ऑफ मिजरी, दुखों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में उन्होंने हिंदी फिल्मों में माँ की भूमिकाएं निभानी शुरू की थी। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की माँ के रूप में निभाए गए किरदारों के जरिए उन्होंने एक गरीब दुखी माँ को हम सब से मिलाया था। उनके द्वारा निभाई गई गरीब दुखी माँ हमेशा से ही पॉपुलर रही है। और अब बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन का नाम बॉलीवुड की आदर्श माँ के रूप में लिया जाता है। 1980 के दशक की फिल्मों में उन्होंने अपने किरदारों से सबका दिल जीता था। उनकी फिल्म मेरी जंग, नाम और कर्मा आज भी लोगों को याद है, और याद है वो माँ जो हमें आदर्श की राह में चलना सिखाती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी माँ की जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई के रास्ते चलना सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी की। राखी ने जहाँ अपने करियर की शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन की एक्ट्रेस बनकर काम किया, वहीं समय गुजरने के बाद उन्होंने लावारिस और शक्ति जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ के किरदार भी निभाए। 1980 और 1990 में उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई दमदार भूमिकाएं निभाई, कभी विलेन की बीवी बनकर तो कभी आदर्श से भरी नारी के रूप। फिल्म राम लखन, बाजीगर, खलनायक जैसी फिल्मों में उन्होंने आदर्श में डूबी माँ का किरदार निभाया, जिसने अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई और सच का साथ देने को कहा। उनके द्वारा निभाए गए माँ के किरदारों को आज भी याद किया जाता है। और अब बात करते हैं वहीदा रहमान की। 1950 की फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर वहीदा ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। उसके बाद 1970 के शुरुआत में इनको माँ या दादी माँ की भूमिका ज्यादा मिलने लगी। ममता से भरे उनके इन किरदारों को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। कुली, ओम जय जगदीश, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए माँ के किरदारों ने लोगों का दिल जीत लिया। अब हम बात करते हैं रीमा लागू की। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में सबसे ज्यादा माँ के किरदारों को बखूबी निभाने वाली रीमा लागू ही। बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री करने वाली रीमा लागू को असल पहचान माँ के किरदारों से ही मिली। माँ के रोल में इनकी कुछ यादगार फिल्में हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, जिस देश में गंगा रहता है, मैंने प्यार किया कभी नहीं भूला जा सकता, वो बेहद खूबसूरत माओं में से एक है। और अब बात करेंगे फरीदा जलाल की। फरीदा जलाल ने हिंदी फिल्मों में कभी बेहद भावुक तो कभी मजाकिया और हसमुख माँ का किरदार निभाया है। उनके ऐसे किरदारों का उदाहरण है फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इन सभी फिल्मों में उनका किरदार बेहद ही प्यारा रहा है। वो एक ऐसी माँ है जिनसे किसी को भी प्यार हो जाए। ये थी बॉलीवुड की 5 माएं जिन्होंने फिल्मों के जरिए हम सबका दिल जीता, हमें दिखाया अपनी फिल्मों से बच्चे और माँ का रिश्ता कि कितना खास होता है, कितना स्पेशल होता है। तो फ्रेंड्स, हम सबको अपनी माओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक बेहद अच्छी जिंदगी दी है, और हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत कुछ सहा है उन्हें। उन सभी माओं को दिल से सलाम। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।